हेलो एवरीवन, देखते हैं आज का डिवाइन संदेश क्या है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज वैसे भी श्रावण मास का पहला सोमवार है, तो आइए जानते हैं कि भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस शफल डेक से हम लेंगे एक कार्ड और कार्ड आया है थंडर स्टॉर्म का। ओ माय गॉड, एग्जैक्टली जो होना चाहिए वही चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पर टावर मूवमेंट की एनर्जी है, स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है। आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, संघारक हैं। जब जब पाप बढ़ता है तो भोलेनाथ क्या करते हैं, संघार करते हैं। चीजों को फिर से लेवल में लेकर आने का काम ही भोलेनाथ का है, ठीक है। तो आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस ये है कि देखिए, कुछ चीजों में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना तो जन्म से रिलेटेड चीजों में, ना मृत्यु से रिलेटेड। किसी भी चीज का अगर अंत हो रहा है, कोई भी चीज अगर खत्म हो रही है, कोई भी जो परिस्थिति है आपके अब फेवर में नहीं है, लेकिन डेस्टाइंड है, नेचुरल है, प्रकृति की देन है, तो आपको असबी और बसबी उसे मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें आपका ही भला निहित है, आपकी ही भलाई छुपी है, तो आप उसे हंसते हंसते एक्सेप्ट करेंगे और अपनी लाइफ में आने वाले ब्यूटीफुल चेंजेस को पहचान पाएंगे। और अगर आप उसके साथ नहीं है डिसीजन की, तो आपको एक्सेप्ट करने में समय लगेगा और आप इम्बैलेंस रहेंगे। या तो आप ब्लेम करेंगे, डिवाइन को भी ब्लेम करें, या फिर आप अपनी किस्मत को ब्लेम करें, मतलब आप एक पूरी तरीके से लोएस्ट एनर्जी में चले जाएंगे। देखिए, कुछ चीजें जब फिक्स होती है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि हम सब डिवाइन के बच्चे हैं और डिवाइन ही जनरेटर है, क्रिएटर है, डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। तो जब जहां पर चीजें फिक्स हैं, वहां पर मान लेना बेहतर है, ठीक है। नहीं मानेंगे तो आपको समय के साथ आगे बढ़ने में परेशानी होगी। ये कार्ड भी कुछ वैसा ही बता रहा है कि आपकी लाइफ में या तो किसी तरीके का टावर मूवमेंट आया हुआ है, आ सकता है, या आने वाले समय में आएगा। मतलब ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड ही टावर मूवमेंट की एनर्जी है। चीजें ध्वस्त हो जाना, पुरानी चीजें टूट जाना, खत्म हो जाना, लेकिन हर एक तूफान के बाद जिंदगी फिर से सेटल डाउन होती है, फिर से जिंदगी मौका देती है, प्रकृति मौका देती है फिर से खड़े होने का, फिर से नई शुरुआत करने का। और ये करना भी जरूरी है, क्योंकि प्रकृति में क्या है, असंतुलन अगर क्रिएट होता है तो प्रकृति उसे बैलेंस करती है। कोई भी तूफान आपने देखा होगा, आने के बाद में एकदम से शांति हो जाती है। मतलब पहले तो त्राही मचेगी, लेकिन उसके बाद सब ठीक तरीके से सेटल डाउन हो जाता है। एक पेड़ को भी जब काटा जाता है, तो उस पेड़ में से दोबारा पत्तियां उपजने लगती हैं, शाखाएं निकलने लगती हैं, फिर से एक अच्छे उसमें बड़ा होने लगता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, तो जब बार्बर के पास भी कटिंग के लिए कोई इंसान जाता है, किसी को अपना हेयर कट लेना है, तो कटिंग किस लिए कराई जाती है, कि अच्छा हेयर स्टाइल आ सके, बन सके, ट्रिमिंग होगी तो अच्छी ग्रोथ हो सकती है, या पूरा फुल शेव करना इज लाइक की फिर से एक नई ग्रोथ। मतलब पुराना अगर नहीं छोड़ेंगे तो नया कैसे आएगा। तो कुछ चीजें, और हमेशा ही जब भी डिवाइन का इंटरवेंशन होता है तो अच्छे के लिए ही होता है, उसे एक्सेप्ट करें और उसके साथ आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि इस तूफान के बाद ही आपकी जिंदगी सेटल डाउन हो सकती है। भाई, डिवाइन का इंटरवेंशन तो इसलिए हुआ ना, क्योंकि आपकी लाइफ में उसी एनर्जी की वजह से इम्बैलेंस थी सिचुएशन, आपकी लाइफ में आपके साथ अन्याय हो रहा था, आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं थी, इसलिए डिवाइन का इंटरवेंशन होना जरूरी था, जिससे आपकी जिंदगी में अब सही समय आ सके, अब सही चीजें हो सके, अब चीजें बैलेंस हो सके, ठीक है। तो डिवाइन इंटरवेंशन ये वो एनर्जी है, वो फेज है लाइफ का, जो अंत होने के साथ साथ एक आरंभ की शुरुआत करता है, एंडिंग के साथ एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग लेकर आता है, एक ब्यूटीफुल चेंज का इशारा है। फिर से मौका है खड़े होने का, फिर से मौका है चीजों को सेटल डाउन करने का, ठीक है।
सो गाइज, ये थी बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आज के दिन में, डिवाइन डिवाइन मैसेज में। होप इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।